बीच एक बड़ी जानकारी कन्नौज से मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज में वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर हंगामा हो गया है। कन्नौज में वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ, ये बड़ी खबर मिल रही है। मतदान में गड़बड़ी को लेकर दो पक्षों में हंगामा हो गया और मतदान केंद्र पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। शांति व्यवस्था कायम रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि वोटिंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पोलिंग बूथ की ये तस्वीर है कन्नौज की, जहां पर हंगामा हुआ, दो पक्षों में वोटिंग को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद वहां पर बहस हो गई। हालांकि इस वक्त शांति व्यवस्था कायम है वहां पर। ये तस्वीरें आपको पोलिंग बूथ से दिखा रहे हैं, लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी बीच जानकारी ये है कि कन्नौज में वोटिंग को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, बहस हो गई उनमें और उसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। देखिए ये टीम जो कि वहां पर लोगों को समझा रही थी और किस तरीके से मतदान के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखना है, एक बार फिर से इसके लिए लोगों से अपील की गई। हालांकि इस वक्त शांति व्यवस्था वहां पर कायम है। कन्नौज में वोटर्स का उत्साह देखते हुए बन रहा है। कन्नौज में आम लोगों के साथ साथ दिव्यांग लोग भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पोलिंग बूथ की तस्वीर देख रहे थे, जहां पर हंगामे की खबर मिली। पोलिंग बूथ पर दो पक्षों में विवाद हो गया, मतदान में गड़बड़ी को लेकर दो पक्षों में हंगामा हुआ, दो पक्ष जो कि आपस में बहस करने लगे। स्थिति वहां पर थोड़ी अनकंट्रोल दिखाई दी। मतदान केंद्र पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई, शांति व्यवस्था कायम है इस वक्त, अपडेट ये है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पोलिंग बूथ पर हंगामे की खबर सामने आई। मतदान में गड़बड़ी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े, उनमें बहस हो गई, हंगामा हो गया, पुलिस बल की तैनाती की गई, शांति व्यवस्था कायम करने की अपील की गई। विवेक त्रिपाठी इस वक्त मेरे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। विवेक, क्या अपडेट है खबर पर? जी बिल्कुल, देखिए कन्नौज का ये शहर का है, जो सदर विधानसभा सीट है उसका शहर का ये बूथ है और यहाँ सेठ वासुदेव सहाय इंटर कॉलेज आप सामने देख रहे हैं, सेठ वासुदेव सहाय, ये पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही भीड़ भाड़ एक तरफ इकट्ठा थी। एक तरफ दरअसल पोलिंग स्टेशन पे कई बूथ हैं, वहाँ पर पोलिंग हो रही है, मतदान हो रहा है। एक तरफ जिस तरफ आप ये देख रहे हैं ये भीड़ है, यहाँ पर लंबी लाइन लगी है, लेकिन ये लाइन चूंकि वहां पर बहुत स्लो मतदान हो रहा था, बहुत धीमी गति से मतदान हो रहा था, इसलिए लाइन लगी हुई है, यहां पर लोग जमा है। जबकि दूसरी तरफ हम अपने दाईं तरफ आपको दिखाएंगे, दाईं तरफ एकदम सन्नाटा पसरा है, वहां पे जितने वोटर्स थे वो वोट डालकर जा चुके हैं। तो यहां पर लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया कि ये जो वोटिंग का जो पोलिंग का स्पीड है वो बहुत धीमे है, स्लो है, गड़बड़ी हो रही है, इसीलिए लोगों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर उन्होंने यहां पर शांति व्यवस्था कायम की। हमारे साथ एजेंट भी हैं, आप बताइए क्या हुआ था यहां पे? सर कुछ नहीं, केवल अफवाह उड़ा दी गई कि यहां पर फर्जी वोट पड़ रहे हैं, तो उस अफवाह के चक्कर में। देखिए फिलहाल जो स्थिति आप वहां से दिखा रहे हैं, शांति व्यवस्था वहां पर कायम है और लोगों से ये अपील की गई एक बार फिर से कि वो शांतिपूर्वक मतदान करें।